मैं यहाँ पर एक एड की शूट के लिए आया हूँ, जो संजीवनी पेन रिलीफ का जो ऑयल है उसकी उसकी एड के लिए आया हूँ। और आज शूटिंग हम कर रहे हैं जहाँ जिस लोकेशन पे आप लोग बैठे हैं। बड़ा एक बहुत ही प्रचलित ये ऑयल है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अपने मेहर भाई जो है, जो हमारे जो क्लाइंट हैं, जो जिनका ये है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, तो उनका उन्होंने डिसाइड किया था कि भैया हम इसे थोड़ा और एडवर्टाइज करें। तो उसी के वनस्पत मैं यहाँ आया हूँ आज और यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ। ओडिशा में जब भी आया हूँ मेरा एक्सपीरियंस बड़ेशा हमेशा बहुत ही अच्छा रहा है। बल बहुत ही एक हमारे स्कूल में मैं पढ़ता था, मेरा एक दोस्त था साहू, वो भी यहीं के थे, और यहाँ पर आके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा है। और पिछली बार जब मैं आया था तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने का भी अवसर मुझे मिला, और इस बार तो खैर ज़रा थोड़े से रश्ड हूँ, बीच में सोच रहा था कि जाऊँगा लेकिन कोरोना की वजह से टेम्पल वॉज शट डाउन। सो नाउ अब जब सब खुल जाएगा, अब आइंदा भी आना होगा यहाँ, ज़रूर भुवनेश्वर आऊँगा। और देखिए भगवान ने चाहा तो इसके ऐड के रिलीज़ पे आऊँगा, या जो एक इवेंट प्लान किए हैं मेहर भाई ने और इन्होंने, शायद उसके लिए भी मैं शिरकत करूँगा। और तब एक दिन पूरा निकाल के आऊँगा, जब मैं पूरा जो दिन है वो मेरा डिवोशन में जाएगा, जगन्नाथपुरी जाऊँगा मैं। सर देखिए क्या होता है कि कोरोना एक ऐसा दौर रहा जो सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं किया बल्कि पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया। जिसने मतलब कुछ लोगों के सपने टूट गए, कुछ के अपने खो गए, यू नो हर चीज़ हुआ है। मतलब कोरोना के अंदर एक ऐसा दौर आया कि पूरे जो वर्ल्ड है उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसका इलाज क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन थैंकफुली भगवान की दया है, धरती माँ की दया है कि कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, अब वो इस तरह का इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। और धीरे 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 ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, नॉर्म जो हैं, ये जो है ख़त्म होगा। एंड मुझे लगता है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जिस तरह वायरल फीवर होता है उसी तरह कोरोना लोगों को होगा, लोगों को इसके साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, OTT प्लेटफॉर्म या टेलीविजन सीरियल चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन फिल्म जो है वो थिएटर में जो रिलीज़ होती है और जो ऑडियंस को थिएटर में फिल्म देखने का मज़ा आता है वो मज़ा तो कहीं नहीं आएगा। तो आई एम श्योर कि धीरे धीरे ये सब थिएटर्स भी खुल जाएंगे, 50% ऑक्यूपेंसीज है महाराष्ट्र में तो खुल ही गए, तो आई एम श्योर उड़ीसा में भी खुल जाएंगे। यहाँ पर जो नाइट कर्फ्यू है 9:30 बजे के बाद, 10 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते, वो भी रिलैक्स हो जाएगा। आपके जिम खुल जाएंगे, आपका स्पोर्ट्स स्टेडियम खुल जाएंगे, आपका रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त लगता है और हर स्टेट ने इस चीज़ को अपनाई है, बल्कि अब्रॉड में तो उन्होंने पूरा जो कोरोना के सैंक्शन है वो पूरे की पूरे निकाल दिए हैं, और महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है आई एम श्योर। एंड भगवान करे कि जल्द से जल्द ओडिशा के अंदर भी ऐसा चीज़ हो कि आपको किसी को एंक्शन फॉलो नहीं करना पड़े। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मास्क पहनते हैं ना हम लोग, वो मैंडेटरी है, वो पहनना ही पड़ेगा आपको।